रोहतास जिले के करसिरुआ पंचायत स्थित खैड़ा गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण हुआ था। इसके तहत पूरे गांव को पानी का सप्लाई किया जाता था, लेकिन महज कुछ ही दिनों में पानी का टंकी धराशाही हो गया। इस गांव के लोगों के बीच पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों का आरोप है कि पानी की टंकी कमजोर होने की शिकायत उन्होंने प्रखंड कार्यालय में की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पानी की टंकी कमजोर स्ट्रक्चर के कारण टूटकर नीचे गिर पड़ा। आप सब टूट गया, चैनल लगा हुआ है। पहले हम लोग आवेदन दिए थे, है ना, इसके बावजूद भी इस काम पूरा ढंग से नहीं हुआ। मतलब क्या दिक्कत है इसमें? पहली बार पानी भरा गया था क्या? ना ना ना, चालू है तीन महीने, दो महीना पहले से, दो महीना पहले से, मगर पूरा इसका मरम्मती नहीं हुआ था, मतलब कमजोर बना गया ऐसी इंगल, इसका कमजोर है। यहाँ पे सर देखिए ना कि स्ट्रक्चर का क्या हाल है, स्ट्रक्चर का क्या हाल है। ये भारी अनियमितता के साथ काम किया गया है। यहाँ पे पाइप जो लगाया गया है, यहाँ पे पाइप कहीं भी 2 फीट तक भी अंदर नहीं डाला गया है। कई जगह लीकेज है। जब से पाइप लगा है करीब करीब इस गली में 10-12 जगह लीकेज है। उस लीकेज पे आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, वैसे ही चलता रहा। जहाँ तहाँ तो नली में लीकेज है, नली के पास लीकेज है, तो नली का पानी भी उसमें सीपता होगा। यहाँ पे टाइफाइड से करीब करीब 90% लोग मर रहे हैं इसका पानी पी करके। अभी क्या हुआ है, घटना क्या हुआ? घटना यही हुआ कि स्ट्रक्चर ये ऐसे तो चल रहा था, एक दिन भरे पानी, वो तो नहीं थे यहाँ पे, कैसे चला रहे थे उनका लड़का, उस दिन पानी भरा इसमें। किनका लड़का? वो वार्ड का, और वार्ड का पानी भरा और वो छोड़ दिया पानी भर के, या क्या हुआ, ये टूट के गिर गया। तो सेंटेक्स है तो पानी भरने के लिए ही है। इसका मजबूती कहाँ की घटना है? ये खैरा ग्राम की घटना है।